हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल्स वर्ब्स ऑन वैलेंटाइंस डे। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे पे बहुत सारे ईडियम्स और फ्रेजेस वर्ब्स इस पर बनी हुई, जो मैं आपको बताता हूँ। पहले आती है ब्लाइंड डेट। जी हाँ, ब्लाइंड डेट, इसका मतलब होता है अ डेट बिटवीन टू पर्सन हु हैव नॉट प्रीवियसली मेट। या ब्लाइंड डेट मीन्स अ डेट बिटवीन टू पर्सन हु हैव नॉट प्रीवियसली मैट। जैसे हम कोई एग्जाम्पल है, जैसे शी वेंट ऑन अ ब्लाइंड डेट विथ हर फ्रेंड्स कजिन। मतलब उसमें इसका मतलब यह है कि या ब्लाइंड डेट का मतलब जिसमें प्रीवियसली हम वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब आता है दूसरा लव वर्ड्स। लव वर्ड्स मीन्स होता है टू पीपल हु आर वेरी मच इन लव विथ ईच अदर। मतलब ऐसे दो पर्सन, ऐसे दो लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार में हों एक दूसरे के, उसको लव वर्ड्स कहते हैं। सेकेंड आपका आता है, इसके बाद आपका आता है लव अफेयर। लव अफेयर इसके लिए यूज़ करते हैं अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। लव अफेयर से कहते हैं मतलब उनके बीच में एक रिलेशनशिप हो रोमांटिकली, जिसमें दो पर्सन के बीच में लेकिन उनकी शादी नहीं हुई हो। अब आते हैं हम अगले पे, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है The experience of falling in love with someone as soon as you see them for the first time. Love at first sight mostly use की जाती है terms, मतलब जैसे किसी को देखते से ही उससे प्यार हो जाए, उसको love at first sight कहते हैं। अब आते हैं आगे pop the question। pop the questions का मतलब होता है to ask someone to marry, किसी को शादी के लिए propose करना, उसको कहते हैं pop the question। जैसे has he popped the question yet, क्या उसने अभी तक शादी का आपसे कहा पूछा, यहाँ से आता है। अब हम आगे आते हैं जैसे लव्ड अप। जी हाँ, लव्ड अप का मतलब होता है टू बी इन लव और बीइंग वेरी इमोशनली, मतलब जॉय एंड विल आर वेरी वेरी मच लव्ड अप, मतलब बहुत ही ज़्यादा लव में होना, शो करना। टाई द नोट, अब आपका आता है टाई द नोट। टाई द नोट का मतलब टू गेट मैरिड। जी हाँ, मतलब शादी करना। टाई द नोट का मतलब होता है शादी शादी करना। नेक्स्ट पे आते हैं हुकअप। हुकअप विथ मतलब जैसे किसी के साथ हुकअप होना, वो टू बिगन अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ समवन। या तो आप हुकअप कह लें या आप कह सकते हैं कि जैसे हुकअप मेनली हुकअप यूज़ करते हैं, या फिर आप इसमें बहुत सारे और भी यूज़ करते हैं, जैसे हिटेड भी यूज़ करते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। हुकअप का मतलब होगा टू बिगन अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ समवन। जैसे वैन डिड यू टू फर्स्ट हुकअप। गो आउट, नेक्स्ट आता है गो आउट। टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन, गो आउट का मतलब ये होता है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन गोइंग आउट विद हिम, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना और कितने समय तक रहना, इसके लिए गो आउट का यूज़ करते हैं। अब होता है फॉल फॉर। तो फॉल फॉर का मीनिंग होता है टू फॉल इन समवन, टू फॉल इन लव विद समबडी। जैसे शी फेल फॉर अ हैंडसम यंगर मैन, मतलब फॉल फॉर का मतलब होता है किसी के प्यार में गिरना, किसी को प्यार में पड़ना। अब इसके बाद आता है कडल अप। कडल अप का मतलब टू सिट और लाई वेरी क्लोज टू समवन एंड पुट योर आर्म्स अराउंड। अब आता है स्पिल्ट अप। स्पिल्ट अप का मतलब टू एंड अ रिलेशनशिप, इसके लिए ब्रेकअप या स्पिल्ट अप का यूज़ करते हैं। ब्रेकअप और स्पिल्ट अप दोनों का मतलब एक ही होता है, टू एंड अ रिलेशनशिप। हिट इट ऑफ का मतलब टू गेट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर, मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे से रहना, बहुत ज़्यादा टुगेदर रहना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैरी एंड जैक हिट इट ऑफ स्ट्रेट अवे, मतलब टू गेट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर, मतलब ये मैरी और जैक एक दूसरे बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से साथ में रह रहे हैं। टर्न ऑन मीन्स टू मेक समवन फील सेक्सुअली अट्रैक्टेड और सेक्सुअली एक्साइटेड, इसको टर्न ऑन यूज़ करते हैं इसमें। जैसे ही रियली नोज हाउ टू टर्न मी ऑन, मतलब वो जानता है कि उसको किस तरीके से मुझे आकर्षित करना है एक सेक्सुअली तरीके से जो होता है इसमें। सो गाइज, इसी के साथ आप वैलेंटाइंस ईडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड जितनी भी थी वो फिनिश होती हैं। होप यू गाइज आपको पसंद आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thanks for watching.